तो गाइज यार कैसे हो आप सभी लोग, और यार दिल से स्वागत है एसी टीएसपी की एक नई वीडियो के अंदर। अब गाइज इस वाले मैच में यार हम लोग पोचिंग ही जा रहे थे। अब गाइज यार बात करें यार बीजीएमआई की, यार गाइज ये पता नहीं यार ये कब लॉन्च होगा। अब गाइज यार आप लोग सोच ही रहे होंगे यार जब इसको पता ही नहीं कब लॉन्च होगा तो यार इसने थंबनेल में कल आने वाला ऐसा क्यों लिखा। गाइज ऐसे यार मैंने सोचा कि थोड़ा मजाक करते जिससे यार बोलते कि आप लोगों को भी शायद दिल को खुशी हो जाएगी कल आने वाला है, लेकिन यार ये खुशी एक पल की थी। लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल यहाँ पे पोचिंग ही उतरते। यहाँ पे मास्टर मुझे बुलाता है कि इसके पास एक बंदा है और इस बंदे को मैं नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ। और जैसे ही यहाँ पे हील कर रहा था तभी तुम देखो सामने खिड़की से बंदा पिक करता है, लेकिन उसको भी यार तुम्हारा भी भर के रख देता है। अब भाई यार आज तुम यहाँ पे देखो कि तुम्हारे भाई ने लगभग कितने नॉक निकाले। फिलहाल जैसे ही इधर आया तो यहाँ से मुझे एक फुटस्टेप सही। अब यहाँ पे एक बंदा खत्म हो गया। अब देखो यार इसको कैसे बजाते हैं, फिलहाल इसको बजाया तो आज फिनिश भी कर दिया। फिलहाल भाई यहाँ पे इसकी लूट लेता हूँ और अब तुम देखो यार धीरे धीरे करके हर एक बंदे को कैसे बजा दे और पूरा पोचिंग की सिर्फ 5 मिनट के ना खाली हो जाएगा। भाई यहाँ पे एक बंदा दिखा जिसको भी यार मैंने मार दिया। अब गाइस यहाँ पे यार मेरी टॉमी की गोली खत्म हो गई थी, तो यहाँ पे गाइस मैं ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और फटाफट यहाँ से M4 उठाता हूँ। अब भाई जैसे ही M4 उठाई तो गाइस यार मैं यहाँ पे सीधा रश कर लेता हूँ। अब भाई जहाँ पे मैंने इस बंदे को नॉक किया था वो बंदा पता नहीं यार कहाँ चला जाता है, मिलता ही नहीं है। और गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आया चेक किया, यहाँ पे तो वो बंदा नहीं था, लेकिन इसका जो टीममेट था ये यहाँ पे था। अब गाइस इसको तो यार मैं नॉक फिनिश कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद यार मेरे को पूछेंगे मैं इतने बंदे रहते नहीं इसके बाद एक दो बंदे के। और गाइस यहाँ पे यार उतरती मैंने कम से कम 4 से 5 किल बटोर दिए और गाइस एक वो आया ही नहीं। अब गाइस जैसे ही इधर आया तो गाइस मेरे को पता था यहाँ पे डीपी पड़ी है। अब भाई मुझे पता था कि यार यहाँ पे डीपी पड़ी है, तो मैं यहाँ पे लेने के लिए आया, लेकिन जो इस बंदे ने मेरे को 1 HP कर ली। तो गाइस मैं यहाँ से फ्लैंक करता हूँ और अब तुम इस फ्लैंक का फ़ायदा देखो। अब गाइस तुम लोग सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो या डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तब तुम लोग यार फ्लैंक करो, क्योंकि गाइस जितना तुम लोग फ्लैंक करोगे उतना ही तुम लोगों को फायदा होगा। अब गाइस सामने यार एक बंदा था, मतलब इसका टीममेट था, तो गाइस यहाँ पे मैं ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ और गाइस इस ग्रेनेड से थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हुआ और थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि यार उस बंदे की काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया, और नुकसान ये था कि यार अपन खुद ही ना हो गए। फिलहाल कोई बात नहीं, यहाँ पे यार मास्टर मुझे रिवाइव करता है और अब तुम देखो। और गाइस यार जब भी किसी से फाइट कर रहे होते हैं बोट हमेशा यार बीच में परेशान करता है। फिलहाल यहाँ पे मास्टर ने मुझे रिवाइव किया और यहाँ पे मैंने फटाफट मास्टर से फर्स्ट एड ली, क्योंकि यार मेरे पास यहाँ पे हीलिंग नहीं थी। जैसे ही फर्स्ट एड लगाई और तुम देखो यार भाई उस बंदे को मैं किस हिसाब से डैमेज करता हूँ। मतलब गाइस यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे देख रहा था फर्स्ट एड लगाते लगाते, तो गाइस यहाँ पे उसके पैर दिख रहे थे और अब और यहाँ पे यार उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दी जाए, तो मैंने सोचा कि अब टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा रश कर लेते। यहाँ पे मैंने अपनी M4 लोड की और अब यार उस बंदे के ऊपर सीधा घुस गया। बस पोचिंग में भी यार काफ़ी सारे बंदे आ रखे थे। यहाँ पे यार उतरते ही मेरे 6 से किल हो चुके थे। फिलहाल भैया इस बंदे को निपटाया और गाइस यहाँ पे 7 किल के साथ पूरा पोचिंग खाली हो चुका था। अब गाइस पहले जिसको बंदे को मैंने टॉमी से नॉक किया था वो तो कभी मिला ही नहीं। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम लोग यार इधर आते हैं, यहाँ पे यार मतलब आंटमैन बन सकते हैं। यहाँ पे यार इस बंदे को बहुत सारा डैमेज दे रहा था। इस बंदे के पास यार M249 थी, फिर भी यार भाई ये हमको गिरा नहीं पाया, इसको नॉक किया। अब गाइस इसके टीममेट को तो मास्टर मार देता है। भैया यहाँ पे मैं फायर करता इससे पहले तो यार मास्टर ने इसको ख़त्म कर दिया। फिलहाल उसकी 8 BM लूटी और गाइस अब तुम देखो हमारे साथ क्या होगा। मतलब गाइस इंटरनेट यहाँ पे काम करना बंद कर जाता है, सामने से मेरे ऊपर फायरिंग हो रही थी। यहाँ पे गाइस मुझे पता चल चुका था कि बंदा यार सामने की तरफ है, तो यहाँ पे मैं पिक करके बैठ गया। अब गाइस यहाँ पे और उसको शॉट मारा, लेकिन गाइस अब तुम देखो यार हमारे साथ क्या होगा। मेरे और मास्टर दोनों का इंटरनेट एक ही वक्त के ऊपर चला गया। अब गाइस यहाँ पे यार मैं पिक करते हुए जा रहा था। अब गाइस मेरे को यहाँ पे चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और गाइस वहाँ से यार मास्टर इन दोनों के ऊपर क्या बोले कि हार्ड स्कोप लेके बैठा था। अब गाइस जैसे ही मैं आगे गया तो तुम देखो यहाँ पे उस बंदे का हल्का सा हाथ दिख रहा था, उसके हाथ को फोड़ डाला मैंने। अब गाइस यहाँ पे यार मास्टर पीछे की साइड में बंदे फिनिश कर रहा था, लेकिन गाइस अब तुम देखो यार यहाँ पे क्या सीन होगा। अब गाइस यहाँ पे यार देखो पिंग तो एकदम ग्रीन ग्रीन आ रही है और गाइस यहाँ पे जैसे उनको डैमेज दे रहा था
मतलब भाई तुम लोग पिंग देखो, बीजीएमआई में भी आजकल पिंग का इतना ज़्यादा इशू हो रहा है। अब यहाँ पे यार पिंग एकदम, अब गई यार पिंग जाके एकदम खराब आने लगी है, ग्रीन से एकदम मतलब पिंग तो दिख ही नहीं रही है। अब गई यहाँ पे बार बार बंदा एम4 रीलोड करते ही रह गया अब मेरे को तो पता नहीं चला। मैंने सोचा कि 2 मिनट में सही हो जाएगा, मास्टर संभाल लेगा, लेकिन ना तो मास्टर की आवाज़ आ रही थी और ना गई यहाँ पे मेरा बंदा काम कर रहा था। और गई जब पता तब पता चलता कि यार हम दोनों ही एक वक्त पे मारे जा चुके। यहाँ पे मैं अपना इंटरनेट चेक करता हूँ और गई उसी बात पता चलता कि यार हम दोनों ही मारे जा चुके। तो वैसे डेट्स यही था गेम प्ले, होप आपको पसंद आया होगा। अगर गाइस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, और टेंशन मत लो बीजीएमआई जल्दी आ जाएगा। बाय बाय।